सो हाय गाइस, दिस का वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो अगर आपका बजट है 25,000 रुपीज़ का और आप सोच रहे थे कि इस फेस्टिवल सीजन में अपने लिए एक फुल HD प्लस वाली एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी ले लेते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फुल HD प्लस वाली एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज़ की, जो आपको 25,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उन सब टीवियों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अपने फिफ्थ नंबर के टीवी से। तो जो फिफ्थ नंबर पे टीवी है वो है TCL की ओर से, उनकी 40S 6500FS। तो ये एक 40 इंच की फुल HD प्लस वाली टीवी है, जो आती है 1920x1080p के रेजोल्यूशन के साथ, और साथ ही में ये एक एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी है। इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और ये आती है 178° के व्यूइंग एंगल के साथ। और अगर हम इस वाली टीवी के परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें आपको 64-bit का क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके GPU की बात करें, तो इस टीवी में आपको डुअल कोर माली का 470 वाला GPU देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इस वाली टीवी के डिस्प्ले पैनल की बात करें, तो इसमें आपको VA पैनल देखने को मिलता है। और अगर हम इस वाली टीवी के टोटल साउंड आउटपुट की बात करें, तो इसमें आपको 20W का टोटल साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इस वाली टीवी के डिस्प्ले फीचर्स की बात करें, तो इस वाली डिस्प्ले में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको IPQ इंजन और माइक्रो डिमिंग देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इस वाली टीवी में दिए गए एंड्रॉइड की बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस वाली टीवी की प्राइस की बात करें, तो ये वाली टीवी आपको अमेजोन में 19,499 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के फोर्थ नंबर की टीवी के बारे में। तो जो फोर्थ नंबर पर टीवी है वो है Mi TV 4A Horizon Edition। तो ये टीवी आपकी 43 इंच की फुल HD प्लस वाली टीवी है, जो आती है 1920x1080p के रेजोल्यूशन के साथ। ये टीवी भी आपकी एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी है, और साथ ही में इसके डिस्प्ले में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और इसके डिस्प्ले में आपको 178° का व्यूइंग एंगल भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस वाली टीवी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें आपको 64-bit का क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाता है, और साथ ही में अगर हम इस वाली टीवी में दिए गए GPU की बात करें, तो इस वाली टीवी में आपको माली 450MP3 वाला GPU देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस टीवी में आपको 1GB की रैम और 8GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इस वाली टीवी के डिस्प्ले पैनल की बात करें, तो इसमें आपको VA पैनल देखने को मिलता है। और अगर हम इस वाली टीवी में दिए गए साउंड आउटपुट की बात करें, तो इस वाली टीवी में आपको टोटल 20W का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको विविड पिक्चर इंजन भी देखने को मिल जाता है अच्छी पिक्चर क्वालिटी के लिए। और अगर हम इस वाली टीवी के एंड्रॉइड की बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने को मिल जाता है, और इस वाली टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको Xiaomi का अपना पैचवॉल 3.0 भी देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इस वाली टीवी की प्राइस की बात करें, तो Mi TV 4A Horizon Edition आपको Amazon पे 23,499 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के थर्ड टीवी के बारे में। तो थर्ड टीवी जो हमारी लिस्ट में है वो है View Premium 43 US। तो ये भी आपकी 43 इंच की फुल HD प्लस वाई टीवी है, जो आती है 1920x1080p के रेजोल्यूशन के साथ, और ये टीवी भी आपकी सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, और इस टीवी के डिस्प्ले में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और ये टीवी आती है 178° के व्यूइंग एंगल के साथ। और अगर हम इस वाई टीवी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें आपको 64-bit का क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इसमें आपको डुअल कोर GPU भी देखने को मिल जाता है, और इस वाई टीवी में आपको 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और अगर हम इस वाई टीवी के डिस्प्ले पैनल की बात करें, तो इसमें आपको VA पैनल देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस वाई टीवी के साउंड आउटपुट की बात करें, तो इसमें आपको टोटल 24W का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें, तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी आपको हल्की सी अच्छी देखने को मिल जाती है TCL और Mi की टीवी के मुकाबले। और साथ ही में अगर हम इसमें दिए गए एंड्रॉइड की बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इसमें आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, और इस वाई टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में व्यू इज नॉट अ चाइनीज ब्रांड, खाली बनती चाइना में है, इसलिए ये वाली टीवी हमारे थर्ड नंबर पे है। अब अगर हम View Premium 43 US की प्राइस की बात करें, तो ये वाली टीवी आपको Flipkart पे 20,999 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट की सेकंड नंबर की टीवी के बारे में। तो जो सेकंड नंबर पे टीवी है वो है Realme TV 43 इंच। तो ये भी आपकी 43 इंच की फुल HD प्लस वाली टीवी है, जो आती है 1920x1080p के रेजोल्यूशन के साथ, और ये टीवी भी आपकी सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, और साथ ही में इस वाई टीवी में भी आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और ये टीवी आती है 178° के व्यूइंग एंगल के साथ। और अगर हम इस वाई टीवी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें आपको 64-bit का MediaTek का क्वाड कोर 6883 वाला CPU देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस वाई टीवी में दिए गए GPU की बात करें, तो इसमें आपको माली 470MP3 वाला GPU देखने को मिल जाता है, और इस वाई टीवी में आपको 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। और अगर हम इस वाई टीवी के डिस्प्ले पैनल की बात करें, तो इसमें भी आपको VA पैनल देखने को मिलता है। और अगर हम इसके साउंड
साउंड आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 24 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको क्रोमा बूस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो आपको ओप्पो और रियलमी के फोन्स में देखने को मिलता ही है। इसकी वजह से आपके डिस्प्ले के कलर्स थोड़े से और इनहेंस देखने को मिलते हैं पिछली टीवीज के मुकाबले। और अब अगर हम इसमें दिए गए एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलता है। और इस वाली टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में आपको डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब अगर हम रियलमी टीवी 43 इंच की प्राइस की बात करें तो ये वाली टीवी आपको फ्लिपकार्ट 22,999 रुपीज की देखने को मिल जाएगी। और ये तो कंफर्म है कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में ये वाली टीवी आपको खाली 20,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस टीवी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के फर्स्ट नंबर की टीवी के बारे में। तो जो फर्स्ट नंबर पे टीवी है वो सबको पता है कि वो है वन प्लस की वाई सीरीज की 43Y1, क्योंकि 25,000 रुपीज के अंदर इससे महंगा टीवी आपको कोई और देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी आपकी 43 इंच की फुल एचडी प्लस वाली टीवी है, जो आती है 1920x1080p के रेजोल्यूशन के साथ। ये भी आपकी सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, इसमें भी आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और ये टीवी आती है 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल के साथ। और अगर हम इस वाली टीवी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें भी आपको 64-bit का क्वाड कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसमें दिए गए जीपीयू की बात करें तो इसमें आपको माली 470 ट्रिपल कोर जीपीयू देखने को मिल जाता है। और इस टीवी में आपको 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो अब हम इस वाली टीवी के डिस्प्ले पैनल की बात करें तो इसमें भी आपको VA पैनल देखने को मिलता है। और अगर हम इस वाली टीवी के साउंड आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 20W का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस वाली टीवी के डिस्प्ले फीचर्स की बात करें तो इस वाली टीवी के डिस्प्ले में आपको इमेज नॉइज रिडक्शन देखने को मिल जाता है, कलर स्पेस मैपिंग देखने को मिल जाती है, डायनेमिक कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है। इसकी डिस्प्ले में आपको एंटी अलियासिंग और गामा इंजन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस टीवी के डिस्प्ले में आपको 93% का DCI P3 कलर गैमेट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम सिंपली बात करें तो 25,000 रुपीज के अंदर डिस्प्ले के मामले में और कोई टीवी इसको बीट नहीं कर सकती। और अगर हम इसमें दिए गए एंड्रॉइड की बात करें तो इस वाली टीवी में भी आपको एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में इस वाली टीवी में भी आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस वाली टीवी की प्राइस की बात करें तो वन प्लस की 43Y1 आपको अमेजोन पे 24,999 रुपीज की देखने को मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी लिस्ट टॉप 5 फुल एचडी प्लस एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज की, जो आपको 25,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इन सारी टीवीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये तो पक्का है कि अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल में और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में आपको इन टीवीज में 1,000 to 2,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया ही हुआ है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जोर दबाएं। और साथ ही में अगर आप अमेजोन से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।